यहाँ पे लगे हुए चाचा शिवम चौधरी, शिवम चौधरी तो बॉडी दिखा रहा, खैर रिंकू कुन्नू स्टार्ट कर दी उन्होंने गाड़ी, कह रहा मैं चलाऊंगा। और भाई साहब गर्मी इतनी तेज हो रही है, गर्मी के कारण ही हमने देखा आधे में सब काम रोक दिया। बाजार में भी चला लोगे? नहीं मैं तो यहाँ तक चलाऊंगा ना, मैं मतलब मार्केट में नहीं चलाओगे ना। खाली खाली रोड पे चलाएंगे। रिंकू बना हुआ है डीजे, डीजे बॉय, डीजे बॉय रिंकू, हीरो इधर देखो जरा। तो रिंकू ने भाई स्पीकर लगवा दिए यहाँ पे, और अभी ये डीजे बन रखा है, लैपटॉप टॉप लेके बैठ रखा है। गाने तू ही बजाया क्या? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज है क्या है, आज सैटरडे, और आज से मैं हूँ छुट्टी पे। बाकी कहाँ जा रहे हो सर आप? मम्मी ने मेहंदी मंगाई है और सामान मंगाया थोड़े बहुत, जो जो सामान मंगाए। तो सामान मंगाया, सामान लेने जा रहा है कुन्नू और रिंकू। और आज से हमारी शादी के कितने दिन बचे हैं भाई? दो दिन बचे हैं। मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे कल से, कल से पूरी भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज सबसे बात हो गई, कुछ लोग तो मेरे ख्याल से आज भी आ सकते हैं, बट कल से प्रॉपर मेहमान आ जाएंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत काम है, आज काम जितना है, जितना हम निपटा सकते हैं वो आज निपटाएंगे बढ़िया से, क्योंकि आज मेरी है, आज से मैं हूँ छुट्टी पे। तो आज काम वगैरह निपटाएंगे। चौधरी साहब भी आ गए, ये दोनों जा रहे हैं अभी मार्केट कुछ सामान लेने जो घर पे मंगा रखा है, जल्दी लेके आओ ठीक है। और आज क्या करना है दूसरी चीज़ गाय वाले रूम में? सेट डाल लेंगे ढकने के लिए, तिरपाल। आज गाय वाले रूम में जो दो रूम है उसके ऊपर से थोड़ा कुछ ऊपर से सेट डाल देंगे, ताकि उसे बारिश और धूप से बचाए रखें। तो आज वो भी करना है, अभी छोटे चाचा भी आने वाले होंगे, और जल्दी आओ ठीक है। तो ये वाला काम निपटाना है, और आज मार्केट वगैरह भी जाएंगे, सामान वगैरह भी लाएंगे, जो क्या कहते हैं राशन का और सब्जी वगैरह है वो भरेंगे आज पूरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगे हुए चाचा शिवम चौधरी, शिवम चौधरी तो बॉडी दिखा रहा, खैर रिंकू कुन्नू लग गए गाय के रूम पे काम करने में, बैठने का जुगाड़ करने में। तो हाँ भाई कहाँ लगाओगे पल्ली, उस वाले रूम में लगा दी, उस वाले में तो बीच वाले में। अब इस वाले रूम में लगेगी, देखो ऊपर वाले रूम, ये इस वाले रूम में खाली पड़ा ना ऊपर से, इसके ऊपर तिरपाल डाल देंगे। इस वाले रूम में इन्होंने कर दिया है सेट एकदम बढ़िया से, देखें भाई कैसे कर दिया, ये देखो बढ़िया करके लगा दिया। और ये रखे हैं डंडे जिनके ऊपर ये डालेंगे पल्ली। तो यहाँ पे बैठने का सही कर दिया, हाँ ठीक है, थोड़ा उजाला आने के लिए भी सही है, हाँ रोशनी भी आ रही है सामने से। अब यहाँ आराम से बैठ जाएंगे, झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, साफ कर देंगे बढ़िया से, और सोफे डाल देंगे, कुर्सी डाल देंगे, तो आराम से बैठने का जुगाड़ हो जा रहा है। देखो बेड भी हम ले आए थे बैठने के लिए, ये तख्त है, तख्त भी अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे काम करने में लग रखे हैं भाई, गर्मी हो रही है बहुत तेज, हालांकि बारिश बोली गई है बिजनौर में, पर बिजनौर में बारिश भी पड़ी नहीं, गर्मी गर्मी पड़ रही है क्या? कल हाँ हल्के हल्के छींटे पड़े थे, लेकिन अभी फिलहाल बहुत तेज धूप हो रही है देखो। तो लगते हैं काम पे इनके साथ, मैं भी कराता हूँ धीरे धीरे, जल्दी से निपटवाते हैं काम, फिर मार्केट भी जाना, मार्केट का काम भी निपटाना है। तो आज बहुत सारा काम है, कल से मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई लगो लगो जल्दी तीनों शेरों, क्या कर दिया एक डंडा, मेरी बनियान से अपना सर पोंछ रहा, गंदी का, गंदी नहीं हुई, चाटे मार इसके खींच के। तो दोस्तों लगते हैं अब काम पे, अब काम निपटाते हैं। 1 hour later तो दोस्तों गर्मी के कारण गाय के रूम का काम तो हमने अधूरा छोड़ दिया, वो करेंगे शाम को, क्योंकि अभी हो रही बहुत तेज धूप। अब जा रहे हैं मार्केट, वो देखो हमारे लेबर जाने लगी घर, पर्चा ले लिया हमने, और अब जा रहे हैं मार्केट। वो देखो चाचा पहले ही गाड़ी में बैठ गए जाके, और अब जा रहे हैं टियागो से, इतना सारा सामान है, 3-4 पेज हैं, सारा सामान लेके आएंगे। मैं चलाऊं? स्टार्ट कर दी उन्होंने गाड़ी, कह रहा मैं चलाऊंगा। और भाई साहब गर्मी इतनी तेज हो रही है, गर्मी के कारण ही हमने देखा आधे में काम रोक दिया, आधे में रोक दिया काम, पूरा नहीं करा, ये करेंगे शाम को, धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। ये देखिए निकाल रहे हैं गाड़ी, आराम से निकालो, चलो 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 चलो, रुको रुको बाइक है रुक जाओ। फाइनली गाड़ी निकाल दी जैसे तैसे करके भाई साहब इन्होंने, रुक जाओ बल्कि गाड़ी आ रही पीछे, वहाँ काम चल रहा था ना देखो, वहाँ पे जगह बहुत छोटी, बड़ी मुश्किल से निकाली वहाँ से। सो गाइस बैठ गए हम लोग गाड़ी में, और यहाँ पे गाड़ी चलाने के ऊपर हो रही है जिद, पापा कह रहे हैं तुम मत चलाओ, चलाने देते, चाचा कह रहे हैं मैं ही चलाऊंगा भाई, तुम ही चलाओगे, ट्रैफिक ना है आज, आराम से चलाइयो ठीक है। ये चाचा चला रहे हैं गाड़ी, एसी चला लो, गर्मी लग रही बहुत तेज, चलें उफरे। और सबसे पहले मार्केट का काम निपटाते हैं, उसके बाद आने के बाद तब देखेंगे दूसरे काम। हमारे हैवी ड्राइवर गाड़ी देखो कहाँ चला रही है, बिल्कुल रोड के किनारे किनारे चला रहे हैं, तो हैवी ड्राइवर है हमारे भाई, गाड़ी किसी को दे रहे, खुद ही को चलाने में लग रखे हैं। बाजार में भी चला लोगे? नहीं मैं तो यहाँ तक चलाऊंगा ना, मैं मतलब मार्केट में नहीं चलाओगे, खाली खाली रोड पे चलाएंगे।
तो गाइस घर पहुंच गए हम लोग, बाजार से थोड़ा बहुत सामान जो होता है वो ले आए। बाकी ये देखिए घर में आके मैंने ये चीज देखा, लाइटिंग लगने लगी घर पे। और ये लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाजार। ये लोग बाजार जा रहे हैं दोबारा। तुम घर पे हो, तुम नहीं जा रही? ये लोग जा रहे हैं मार्केट, जिसमें ताई नहीं जा रही। मनु मैंने तेरे को मना किया था ना, तेरा सारा सामान आ गया था, क्यों जा रही हो? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना। इसे हर बार मार्केट जाना होता है, हर बार कुछ ना कुछ लेके आना होता है। और चौधरी सही लग रही है लाइटिंग? कल भैया आपने कहा था जूते को ये अंदर तक नहीं लाएगा, तुम खुदला रहे हो। ये इसका दिमाग, ये बता लाइटिंग सही लग रही है? लाइटिंग मैं नहीं करवाई तो सही नहीं लगेगी? बढ़िया लग रही है, सही लग रही है चाची लाइटिंग? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सूट चाची का अच्छा लग रहा मुझे। चाची का सूट तो खैर गजब है। यार चल के दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर भी लग गए लाइटिंग पूरी हमारे गाय वाले रूम तक। एक बार बाहर का टूर भी कराता हूँ आपको, बाकी आगे का शूट करके बताएगा कुन्नू। हाँ भाई कुन्नू सही नहीं लग रहे? ये देखिए दोस्तों, ये पूरे यहाँ पर लगा दी लाइटिंग, और ये खंबे से गाड़ के, मतलब पिलर से गाड़ के वहाँ तक करा दी लाइटिंग, वहाँ तक जलेगी। हाँ भाई चौधरी, गाय वाले रूम का जो काम था वो कम्प्लीट हो गया नहीं हुआ? गाय वाला अभी कहाँ हुआ, कब होगा भाई वो? बार बार चढ़ा रहे उतार रहे, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे। तुझे करना है वो काम, ठीक है? दोस्तों आगे की जो लाइटिंग है वो कुणाल चौधरी दिखाया, कुणाल चौधरी लेके जाओ। मैं दिखाऊंगा आपको आगे की लाइटिंग की, कैसे कैसे काम चल रहा है वहाँ के। सो देखो अभी तो ऐसे पोल लगे हैं यहाँ पे, पीछे भी घर के सामने ही वहाँ पे देखो पोल लगे हुए हैं, और यहाँ ही पोल लग गए। अब इन पे लगेंगे लाइट, से एक लाइट तो लग भी गई, देखो वो लाइट ऊपर एक लाइट लग गई, अभी और लाइट्स लग रही हैं। कुछ बल्ब तो ये पड़े और कुछ बल्ब भैया वहाँ ले गए। अब बस थोड़ा सा काम इधर का रह गया है, इधर की लाइट्स लगेंगी यहाँ पे भी। और रिंकी आज अपना लाखों वाला बैग दोबारा लेके जा रही है, इसके बैग में कितने करोड़ रुपए? इधर दिखा बैग, इसके बैग में बहुत मोटा पैसा है। A few hours later. दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं, और इधर देखिए रिंकू बना हुआ है डीजे, डीजे बॉय है रिंकू, हीरो। इधर देखो जरा, तो रिंकू ने भाई स्पीकर लगवा दिए यहाँ पे, और अभी ये डीजे बन रखा है, लैपटॉप लेके बैठ रखा है, गाने तू ही बजाया क्या? और लाइटिंग देखो जलने के बाद दोस्तों कितने मस्त लग रही है, बढ़िया से। अभी थोड़ी सी रह गई, इस साइड रह गई और इस साइड से रह गई, वो कल होगी, बाकी बढ़िया जच रही है। बाकी जो बच्ची कुछ लाइटिंग है वो कल होगी, क्योंकि आज वो लेट आए थे तो उन्होंने जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी छोड़ के चले गए, कल करेंगे। और अभी मम्मी चाची और मार्केट से अभी आए नहीं, वो लोग अभी मार्केट ही जा रखे हैं। बाकी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है भाई, कैसा सजा रखा है, कल और ज्यादा सजाएगा। और डीजे हमारे शिवम चौधरी, रिंकू चौधरी और एक और चौधरी है, वो जा रखा है बाहर। बाकी बाहर से दिखाता हूँ बाहर से कैसा लग रहा है घर, कैसा चमक रहा है। तो ताई सही सजा रखा है? Very, अच्छा लगा तुम्हें? वेरी नाइस। दादी अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोमल तू मार्केट नहीं गया आज? ये लड़की छोड़ रखी है घर में, वरना सब लोग मार्केट जा रखे हैं, और ताई छोड़ रखी है, वो भी है बड़ी चाची भी, वो तो खैर मरीज है इसलिए जाने रखी, पेशेंट है वो। अब वो खाना इतने वो लोग आएंगे, इतने डिनर की तैयारी कर रही है। बाकी रिंकू कहाँ, वो कुन्नू कहाँ है? कुन्नू बाहर। ये देखिए दोस्तों तरह सजा रखा है बाहर, और लाइट जलने लगी। बाकी ये वाली लाइट अभी नहीं जलाई क्योंकि इसमें लगी नहीं लाइट, वो कल लगेंगी, कल पूरी कॉलोनी में एकदम चकाचौंध हो जाएगी लाइटों से। आज नहीं लगाई उन्होंने, लेट हो गए थे। बाकी हमारा जो घर है वो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल मजेदार चमक रखा है, दो तरीके की लाइटिंग लगा रखी है। बाकी पापा बैठ रखे। हाँ भाई हीरोज, यस, हाउ इज लुकिंग? नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये आपकी मेहनत है सर? मेरी नहीं है, कोई और लगा के गया था, इसे थोड़ा और नीचे करके लगाऊंगा कल। और ये वाले भी अच्छे से सजवा दे, ठीक है? पूरी वहां तक जलनी चाहिए, एकदम रोड तक, मेन रोड तक, ठीक है? चौधरी तेरा है, और चौधरी ने आइस थेरेपी ले अपना चेहरा देखो कैसे चमका दिया है, सन क्रीम लगा लगा के जा रहा ट्यूशन है। और कैसे जाऊं भाई, थोड़ा सा काला नहीं होना चाहिए, इसकी ब्यूटी कम हो जाएगी है चौधरी। Ready to
सो दोस्तों खाना खा के आ गए हम लोग बाहर घूमने। भाई साहब मजा आ गया, डांस करा खूब। क्यों भाई शिवम अपनी शादी में इतना नाचे? इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है यार। तो भाई अपनी शादी में खुश नहीं होगा तो क्या हूँ बता? नहीं वो तो ठीक है, ये तो नाचा नहीं, लेकिन वो वाले गाने पे मेरे समझ नहीं आया कि भाभी आवेगी। तुम क्यों नाच, तुम्हारी भाभी थोड़ी ना आएगी। भाभी तुम्हारी आएगी ना, तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। मैं बोलूं और बोलूं भी अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से आ गया भाई, ये भी हमारा गेस्ट बन के देखा सबसे पहले बाजी मार ली। और जो बाकी के मेहमान है वो आएंगे कल। भाई साहब पूरी तरीके से थक गए, पैर पूरे दर्द कर रहे हैं, इतना ज्यादा नाच रही है। सुबह करेंगे, उठा भी नहीं जाएगा। हाँ लेकिन अभी भी कर रहे हैं, सुबह भी सही कह रहा है, उठा भी नहीं जाएगा। तो गाइस मस्ती हो गई पूरी, डांस वगैरह कर लिया और अब अंदर हम लोग तो खाना खा के बाहर वॉक करने आ गए, बाकी सब लोग अंदर खाना खा रहे हैं। और ये देखिए चौधरी साहब और एक नई गाय आई है हमारे इधर मोहल्ले में, बहुत देर से यहीं घूम रही है। तो बोलो आर यू रेडी? हाँ भाई एकदम मस्त मस्त। सीएम रेडी? और दोस्तों अगले आने वाले ब्लॉग मिस मत करना क्योंकि बहुत ही मजेदार बहुत ही टॉप वाले ब्लॉग होने वाले हैं। क्यों देखना जरूर, धमाल मचाएंगे। मैंने कहा बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, अब मजा आएगा तुम्हें, पूरी मस्ती होने वाली है, मस्ती का धमाल मचेगा, आप बने रहिए बस हमारे साथ। अगला नेक्स्ट दिखाएंगे बाद में, कल मिलते हैं फिर। जो मेन जो आधे जो पलटन है वो कल आ जाएगी, कल पहुंच जाएगी कल तो और दोपहर में, कल तो और तबाही मचेगी।